गुड मॉर्निंग रंजीत, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, रंजीत आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में लिख के बता दो यस और नो। रंजीत, आज हम पढ़ेंगे स्टोन। जो अपना पत्थर आता है वो कहाँ से आता है, कैसे निकलता है, ठीक है? तो अब देखो, जितने भी अपने बिल्डिंग स्टोन होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग की बात करेंगे, जितने भी बिल्डिंग स्टोन मान लो, या बिल्डिंग मटेरियल्स, या पूरा सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में देखा जाए तो रोड पे पत्थर डलते हैं अपने, ठीक है। घर अपना पूरा पत्थरों से, सारा फाउंडेशन वगैरह रेडी होता है। और राजस्थान वगैरह की तरफ जाओगे तो लोग घर भी पत्थर के बनवाते हैं। किले वगैरह जितने भी ओल्ड स्ट्रक्चर हैं, बड़े स्ट्रक्चर, वो भी पत्थरों से ही बनते हैं, ठीक है। तो स्टोन्स की डेफिनेशन देखते हैं। स्टोन्स आर नेचुरली अकरिंग कॉम्पैक्ट सॉलिड एंड मैसिव मटेरियल दैट मेक द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। टेक्निकली द स्टोन आर कॉल्ड एज रॉक्स, ठीक है। द रॉक्स अकर इन ग्रेट वेराइटी। एक मिनट रुकना। हाँ सर, पासवर्ड नहीं आया सर। दुसियन सर ने अभी मुझे फोन करके बताया कि इसका अपग्रेड 123 क्लास का पासवर्ड तो वही है। चेंज तो इसने सर उसका किया है, ईमेल आईडी का पासवर्ड। वो तो वहां सुधांशु सर रिसेट करके दे देंगे, पर इसका क्लास का पासवर्ड तो यही रहेगा, अपग्रेड 123। सर वो इस तरह से चल रहा होगा कि जब मोबाइल की कीपैड पे करते हैं तो यू कैपिटल डाल रहा होगा ये, तो ये बोलो कि यू स्मॉल में रखना है। हाँ, दुष्यंत सर तो सर अभी मुझसे वो कह रहे हैं कि सही है सर इसका पासवर्ड। उन्होंने मुझे तो उसका फोटो लेके भेजा सर लॉग इन करके। हाँ, ठीक। ओके रंजीत, तो देखो, स्टोन्स आर जनरली अकरिंग कॉम्पैक्ट सॉलिड एंड मैसिव मटेरियल। कॉम्पैक्ट होता है, आपस में जुड़े हुआ होता है, सॉलिड होता है, और मैसिव बड़ा होता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट, ठीक है। वो इस तरह से समझो कि जैसे पृथ्वी अपनी गोल होती है पूरी, ठीक है। पृथ्वी में भी तीन लेयर होती है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जिसपे हम रहते हैं उसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद जब अंदर जाते हैं उसे बोलते हैं मेंटल। फिर आती है लास्ट में सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोर, ठीक है। तीन तरह की मतलब तीन पार्ट होते हैं अपनी अर्थ के, ठीक है। तो हम रहते हैं क्रस्ट पार्ट पर, ठीक है। तो सॉलिड मैसिव पत्थर जो अपने निकलते हैं सारे बड़े बड़े, और जितने पहाड़ है सीधी सी बात है पत्थर जो निकलेगा पहाड़ों से ही निकलता है, ठीक है। या जैसे कि रिवर्स वगैरह नदियों में जो पत्थर आता वो भी नदियां सारी तुम्हारी पहाड़ से निकलती हैं, वो पत्थरों को लड़काते आती हैं, साथ आते रहते हैं तो गोल हो जाते हैं पत्थर, ठीक है। उसी तरह अपनी अर्थ है, तो अर्थ के तीन पार्ट हैं अपने, ठीक है। तो कोर, क्रस्ट और क्रस्ट, कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मैं दिखाता हूँ देखो, इसमें
इस तरह से अपनी कोर होती है, मतलब अपनी पृथ्वी है अपनी, ठीक है, सबसे ऊपर वाले पार्ट, ठीक है, क्रस्ट जो होती है जिस जमीन पे हम रहते हैं उसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसकी अपनी रेंज दे रखी थी 5 से 5 किलोमीटर तक, किसी एक जगह पे 5 किलोमीटर तक गहराई होगी इसकी, और किसी एरिया पे हाइएस्ट 50 किलोमीटर। अगर पृथ्वी में हम गड्ढा खोदते हैं, अर्थ में कोई गड्ढा खोदते हैं, तो 50 किलोमीटर तक हमें क्रस्ट मिलेगी। उसके बाद आती है मेंटल, ठीक है, मेंटल सरफेस जो होती है अपनी। देखो इसमें देखो ब्रैकेट में रखा मोबाइल, मोबाइल का मीन्स होता है कोई भी ऐसी चीज जो इजीली मूव कर सके, ठीक है। और कोर होती है हॉट, जो उसे बोलते हैं बिल्कुल गर्म लावा, अंदर पत्थर वत्थर जो भी होता है वो इतनी अंदर जाती है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि सारी चीजें मेल्ट हो जाती है लावा, ठीक है। तो मेंटल आप देखा तो अर्थक्वेक क्यों आता है, कोई पूछे अर्थक्वेक क्यों आता है, तो उसका इस तरह से है थ्योरी कि टेक्टोनिक प्लेट जो होती है, जो क्रस्ट होती है ना अपनी, ये वाली क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, ये वही मेंटल के ऊपर, ठीक है, मेंटल के ऊपर मूव करती रहती है इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। तो जिस तरह से जैसे कि पहले जो अपना अर्थ था, मतलब पृथ्वी जो पहले अपना इंडिया था, ये साउथ अफ्रीका की प्लेट में जुड़ा हुआ था, ठीक है, फिर वहां से ये मूव करता करता चाइना की प्लेट से जब आके टकराया, ठीक है, जब आपको ऐसे टकराया तो क्या वो इंडियन प्लेट तो चाइना की प्लेट के नीचे गई और बीच में से हिस्सा ऊपर उठ गया। तो जो हिमालय का जो हिमालय जो बना है, मतलब हिमालय माउंटेन रेंज जो बनी है, वो इसी तरह बनी है कि जब इसी तरह वो भूकंप भी इसी तरह आते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना कि अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक अर्थ की जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट है उसके मूवमेंट की वजह से पूरी क्रस्ट हिलती है, पूरी पृथ्वी हिलती है, उसी से आते हैं। तो यही है कि मेंटल सरफेस मूवेबल होती है, मूव करती रहती है उधर उधर, ठीक है। अब जो हमारे पत्थर वगैरह निकलते हैं, या तुम देखोगे जो पेट्रोलियम क्रूड वगैरह, क्रूड ऑयल जो आता है जैसे मथुरा रिफाइनरी है, उसमें जो क्रूड ऑयल आता है वो भी इसी तरह निकलता है, अंदर पाइपलाइन डाली जाती है। अंदर क्या होता है, तो अब ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब बोलते हैं ना कि जो नेचुरल ऑयल कैसे निकलता है, उसमें था कि पहले डायनासोर वगैरह रहते थे, जानवर वगैरह रहते थे, वो दब गए नीचे, फिर बहुत सालों के हाई टेम्परेचर के बाद वो तो धीरे धीरे कार्बन चेंज होते होते ऑयल और गैसेस वगैरह में कन्वर्ट हो गए। तो उसी तरह होता है कि अंदर क्या होता है कि जब काफी गहराई में जाने के बाद, ठीक है, तो वही तुम्हारे गैसेज और ऑयल वगैरह जगह जगह हमें मिलते हैं। उसी तरह के पत्थर भी सारा, जैसे राजस्थान से पत्थर निकलता है अपने यहाँ मोस्टली, तो मार्बल निकलता है, ग्रेनाइट निकलता है, और अदर भी बहुत सारे निकलते हैं, बेसाल्ट वगैरह, तो वो सारे के सारे अंदर से ही निकलते हैं, ठीक है, जितना अंदर जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे मार्बल होता है देखा जाए तो मार्बल सबसे अच्छा, मतलब देखने में अच्छा लगता है और डेकोरेटिव पर्पज के लिए होता है। तो मार्बल का क्या होता है, मार्बल जो होता है वो अब इससे आगे पढ़ेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक एक एग्जाम्पल होता है रॉक का, उसी का बना हुआ होता है मार्बल, ठीक है। तो मार्बल क्या है कि अब कोई भी चीज मार्बल जब निकलता है ना, जैसे कि पत्थर हम देखते हैं जैसे काला निकल रहा है, या जैसे हम नॉर्मली कलर देखते हैं ब्राउनिश कलर का होता है ना, होता कोई भी पत्थर, तो पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई लोड इंटेंसिटी जब ज्यादा हाई होती है, तो उसमें क्या है कि वो चेंज हो जाता है, उसमें एक रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। इस वजह से क्या है कि वो पत्थर जो होता है ना मार्बल, व्हाइट कलर के मार्बल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहले यही देख लो कि अपनी 3 तरह की अर्थ भी होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। ठीक है, अब देखो स्टोन देखते हैं। टेक्निकली द स्टोन्स आर कॉल्ड एज रॉक्स, द रॉक्स अकर इन ग्रेट वेराइटी, द रॉक्स पोजेस सूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ एंड फाइंड यूज इन बिल्डिंग स्टोन, इट फॉलोज दैट ऑल बिल्डिंग स्टोन आर रॉक्स इन नेचर, और रॉक्स मे नॉट बी यूजफुल एज बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि सारे पत्थरों को हम बोल सकते हैं कि चट्टान है, ठीक है, पर सारी चट्टानें बिल्डिंग स्टोन की तरह काम नहीं आती, ठीक है। अभी बात ये होती है, कुछ पत्थर तुम देखोगे जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने जैसे उत्तराखंड, ठीक है, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ वगैरह जो पड़ते हैं वो वाला एरिया, एक हो गया अपने राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। अब राजस्थान में जो रॉक्स हैं, राजस्थान में जो पहाड़ हैं, उनके जो पत्थर हैं उस पर क्या, तुमने देखा भी होगा कि राजस्थान में जंगल वगैरह कुछ भी नहीं है, प्लेन पहाड़ है पूरी, ठीक है, प्लेन माउंटेन रेंज है अपनी, तो उस पर क्या होता है
कि एक वेदरिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। वेदरिंग इफेक्ट को इस तरह से, जैसे कि हवा चलती है, हवा फिर चट्टाने कटती है, फिर बारिश पड़ती है, उसकी चट्टाने कटती रहती है। तो हार्ड रॉक जो निकलती है वो राजस्थान से निकलती है। इसी तरह तो मैं देखा हो उत्तराखंड वगैरह में ज्यादा बारिश हो जाती है तो लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, पत्थर गिर गए, रोड गिर गए, मकान गिर गए, सारी चीजें होती है। तो वहाँ क्या है कि मिट्टी वाले पहाड़ बोल सकते हैं, पहाड़ों के ऊपर मिट्टी है और मिट्टी पे क्या पेड़ वगैरह होते हैं, जब ऐसी भी कंडीशन होती है तो गिर जाते हैं। तो वहाँ वाले पहाड़ इतने स्ट्रांग नहीं है जितने राजस्थान वाले पहाड़ हैं। तो वही कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड से जो पत्थर निकलता है उससे इतना यूज नहीं ले सकते, ठीक है। और जो अपना राजस्थान से जो पत्थर निकलते हैं उसे बिल्डिंग स्टोन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाली लाइन में रखा है कि ऑल रॉक मे नॉट बी यूजफुल एज बिल्डिंग स्टोन, की सारी रॉक बिल्डिंग स्टोन की तरह यूजफुल नहीं हो सकते, ये बिल्डिंग स्टोन में यूजफुल नहीं होता। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टोन्स हैव बीन यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंस टाइम इमेमोरियल। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, द एफिल टावर, द टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड हंड्रेड ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन इच बिग कंट्री आर मेड ऑफ स्टोन। द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट स्टोन इज दैट दे आर नेचुरल एंड डू नॉट रिक्वायर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि पत्थर नेचुरली मिलता है, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते कभी भी, ठीक है। जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जैसे इजिप्ट के पिरामिड हो गए, एफिल टावर हो गया, ठीक है, एफिल टावर का फाउंडेशन जो हो गया वो, जगन्नाथपुरी का टेम्पल हो गया साउथ इंडिया में, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, जो भी बड़े बड़े हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं 100 100 200 200 साल पुरानी, ठीक है, उनमें सब में वो सारी पत्थर से ही बनी हुई है, ठीक है। स्टोन टिम्बर एंड क्ले हैड बीन द मोस्ट कॉमनली कंस्ट्रक्शन यूज मटेरियल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन टिल द एडवेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, हेंस कंक्रीट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। स्टोन मतलब पत्थर, टिम्बर मतलब लकड़ी और क्ले, ठीक है। अब क्ले में क्या होता है, हमारा चूना भी आ जाता है और मिट्टी रहती है। मोस्ट कॉमनली कंस्ट्रक्शन यूज मटीरियल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जब भी सभ्यता मतलब जो लोग रहने शुरू हुए, जब जब से लोग दिमाग चलो पैदा हुए, ठीक है, जब से सभ्यता हमारी चल रही है लोग पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, चूना वगैरह का कंस्ट्रक्शन के काम में यूज करते आ रहे हैं। पर यह कि 19वीं सदी से 19th सेंचुरी से पोर्टलैंड सीमेंट आया और उससे हम बाद कॉन्क्रीट बना के इसको यूज करने लगे। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग दे रखी है, इजिप्ट के पिरामिड है, ताजमहल है और गेट वॉल ऑफ चाइना। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, द बिल्डिंग स्टोन आर क्लासिफाइड इनटू थ्री वे, जियोलॉजिकल, केमिकल और स्ट्रक्चरल। और जियोलॉजिकल का मतलब हो गया कि जिस तरह या जिस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो केमिकली जो आ गया, केमिकली में जब बात करेंगे कि किस तरह का उसके अंदर केमिकल है, ठीक है, फिर अपना स्ट्रक्चर लिए, ठीक है। तो इसी तरह देखो फोटो में दे रखा है क्लासिफिकेशन में जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल का होता है, ठीक है। जियोलॉजिकल तो हो गया कि हमारी किस कंडीशन में मिली, फिजिकल हो गया कि हमें बाहर से देखने में वो कैसा लग रहा है, और केमिकल उसके अंदर किस तरह के केमिकल मिले हुए हैं, ठीक है, या उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन में फर्स्ट अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम विच बिल्डिंग स्टोन आर ऑब्टेन। थ्री मेन ग्रुप रिकोगनाइज बाय इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब ये चीज़ें चाहो तो नोट कर सकते हो। जियोलॉजिकल स्टोन ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें तीन तरह की रॉक होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक, ऑल दोज रॉक ऑफ द अर्थ दैट हैव बीन फॉर्म्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ओरिजिनली हॉट एंड मोल्टन मैग्मा एज ग्रुप एज इग्नियस रॉक, दे आर मोस्ट डेवलपमेंट रॉक इन द क्रस्ट व्हेन कंसीडर्ड डेप्थ वाइज, ठीक है। अब क्या होता है, जो सबसे नीचे से अपना पत्थर निकलता है ना वो इग्नियस रॉक ही होती है। पत्थर मतलब कोई पहाड़ है टूट रहे हैं, जो सबसे नीचे का जो निकलेगा, ठीक है, जो सबसे मजबूत एबिटमेंट, सबसे ज्यादा जो मोस्ट एबिटमेंट, सबसे ज्यादा जो मजबूत पत्थर है, ठीक है। अगर डेप्थ वाइज जाएंगे तो सबसे नीचे जाने पे जो मिलेगा अपना
वो इग्नियस रॉक होती है। इग्नियस रॉक का जो एग्जांपल है, एग्जांपल तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है, तो वो आंसर है ग्रेनाइट। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, ग्रेनाइट किस रॉक का एग्जांपल है या इग्नियस रॉक का क्या एग्जाम्पल होता है। तो याद रखेंगे इग्नियस रॉक ग्रेनाइट से बनती है। ग्रेनाइट तुमने देखा होगा कि नॉर्मली जो सबसे ज्यादा जो घर में हम यूज करते हैं वो किचन में जो स्लैब बनती है अपनी, उसके ऊपर पत्थर रखा जाता है, वो ग्रेनाइट ही होता है। तो देखा होगा नॉर्मली क्या तुम्हारे ग्रेनाइट कलर में आता है कि रेड चेरी कलर में आता है, ब्लैक कलर में आता है, ठीक है। तुम किचन वगैरह में ब्लैक मार्बल यूज करते हैं, मार्बल उसमें मतलब ब्लैक ग्रेनाइट यूज करते हैं। अब क्या होता है मार्बल और ग्रेनाइट सबसे ज्यादा घर में यही दोनों चीजें यूज होती है। तो मार्बल का क्या होता है कि मार्बल जो होता है ना, अगर जैसे तुम्हारा तुम देखते भी होंगे घर पर, तुमने सुना भी हो कभी, जैसे मार्बल वगैरह की फ्लोरिंग करते हैं पूरे फर्श पर मार्बल बिछा रहे हैं, अगर मार्बल के ऊपर ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, गर्म कोई चीज रख दी जाती है ना, तो फट जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं। पर ग्रेनाइट नहीं होता, ग्रेनाइट वर्ल्ड टफेस्ट स्टोन है, दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो उसका क्या होता है ऐसी दिक्कत, इसलिए उसे किचन में यूज करते हैं कि कितनी भी गर्म हो, कितना भी गर्म कोई भी चीज रख दो तो टूटता नहीं। जो अपने रेलवे ट्रैक होता है उसके किनारे जो पत्थर पड़े रहते हैं ना, तो बैलास्ट जिसे बोलते हैं, वो भी ग्रेनाइट ही होते हैं सर। देखो इन फैक्ट द इग्नियस रॉक आर फर्दर डिस्क्राइब्ड बाय जियोलॉजिस्ट इनटू थ्री सब क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। जियोलॉजिस्ट ने इग्नियस रॉक को भी आगे तीन पार्ट में डिवाइड किया उनकी डेप्थ ऑफ डेप्थ के अकॉर्डिंग। इग्नियस रॉक आ गई, फिर अपन देखते हैं प्लूटोनिक रॉक। दे आर फॉर्मड एट ग्रेटर डेप्थ बिलो द सरफेस, दे आर एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस बाय इरोजन और ओवरलैपिंग सेडिंग विद पैसेज ऑफ टाइम, दे आर क्लोजली क्रिस्टलाइज्ड, ठीक, कंपोनेंट ऑफ क्रिस्टल कैन बी इजीली सीन विदाउट द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ग्रेनाइट, साइनाइड्स, गैबब्रोस आर द टिपिकल इग्नियस प्लूटोनिक रॉक। अब इग्नियस रॉक के भी हमने तीन क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। तो फर्स्ट अपना उसमें प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। तो प्लूटोनिक रॉक क्या होता है कि जब नीचे जाते हैं ग्रेटर डेप्थ से, बहुत ज्यादा नीचे जाने के बाद क्या होता है कि जब हम निकालते हैं किसी पत्थर को, ठीक है, जब हम इग्नियस रॉक को निकालते हैं, सबसे पहले उसमें जो ग्रेनाइट निकलेगा या तुम्हारे ग्लासेस जो कांच होते हैं वो, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो लैब वगैरह में यूज करते हैं वो, या साइनाइड आता है, ग्रेबोल्स आता, ठीक है, ये इग्नियस प्लूटोनिक रॉक के एग्जाम्पल है। ग्लोबल करने का देखो इस डायग्राम में देखो और ये नहीं फट रहा पूरा, उससे ही सारी चीज बनती है ज्वालामुखी के समय, ठीक है। अपना बी आया द वॉल के निकलो, दे आर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम लावा कमिंग आउट ऑफ न्यूमरस वोल्केनोस दैट इरप्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसाल्ट एंड ट्रैप रॉक्स आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिट्यूटिंग मिनरल आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन ओनली आफ्टर मैग्नीफाई इन द माइक्रोस्कोप। अब वॉल्केनिक रॉक अब क्या होता है, जैसे लावा निकला बाहर, ठीक है, अर्थ के बाहर एक साथ लावा जब निकलता है, ठीक है, तो जब लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, उससे क्या होता है बेसाल्ट और ट्रैप रॉक, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल होते हैं बेसाल्ट और ट्रैप रॉक का एग्जाम्पल मतलब होते हैं, इसका क्या होता है मिनरल्स हमें देखने होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं कि किस तरह की रॉक है, इसके जो अंदर पार्टिकल है वो आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरह के अलग अलग कण हैं, इस तरह से देखो। ये अपना द हाइपर वेसल रॉक, दे आर फॉर्म एट सेलो डेप्थ अबाउट 2-3 किलोमीटर बिलो द सरफेस फ्रॉम मैग्मा, दे कुड नॉट कम आउट एज लावा, दिस सो क्रिस्टल दे आर पार्टली कोर्स एंड पार्टली फाइन, प्रोग्नोसिस पॉरस्फेरिक बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है। अब क्या होता है जब हाइपर वेसल रॉक होती है, एक तो इग्नियस रॉक की जो सबसे ज़्यादा गहराई में होती है, फिर हमने देख लिया मतलब इग्नियस रॉक के तीन एग्जाम्पल थे, तो प्लूटोनिक फर्स्ट का जो सबसे नीचे जो है सबसे नीचे गहराई में निकलेगा वो होता था प्लूटोनिक, फिर उसके बाद वॉल्केनिक, जो वॉल्केनिक निकला वॉल्केनिक जो होता है ज्वालामुखी जब लावा निकला उसके बाद ठंडा होने के बाद जो इसी को बोला गया था ना जो ऊपर वाले पत्थर आते हैं बेसाल्ट और ट्रैप, ठीक है। हाइपर वेसल जो थर्ड है उसमें दे रखा है कि जो इग्नियस मतलब प्लूटोनिक और
वॉल्केनिक दोनों के बीच में हो, मतलब एक दिया तुम्हारा प्लूटोनिक के बराबर नीचे भी ना हो, 2-3 किलोमीटर ही जमीन के अंदर रहे और बाहर भी नहीं निकले, तो उसके बीच में जो फंस गया उसी को बोलते हैं हाइपरनेशन का। ये नीचे तो प्लूटोनिक हो गई ये वाली जगह, ठीक है ऊपर अगर लावा फटके निकलता है तो वॉल्केनिक वॉल्केनिक हो गई, और बीच में जो ये हाइपरनेशन है बीच में सेकेंड टाइप का अपना सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक्स फाउंड कवरिंग ए ग्रेट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द सेडिमेंट्री कॉर्ड फॉर्म सो मेनी टाइप ऑफ प्री एक्सिस्टिंग रॉक बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल एजेंसी लाइक विंड वाटर आइस एंड एटमोसफियर। ये सिंपल जो वेदरिंग इफेक्ट बता रहा था सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी फट पत्थर निकले, जैसे हाइपरवेसल रॉक का जो बता रहा था तुमने, नहीं वोल्केनो रॉक का जो बता रहा था, वोल्केनो रॉक मतलब ज्वालामुखी से लावा बाहर निकला वो धीरे धीरे ठंडा हुआ मैग्मा, और ठंडा होने के बाद पत्थर की शेप में आ गया, उस पर क्या है कि वेदरिंग एक्शन आता है कि हवा चलती है बारिश पड़ती है बर्फ गिरती है एटमोसफियरिक गैसेस वगैरह होती है धीरे धीरे वो पत्थर टूटने लगता है, तो जो उसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, कि जो पहले से सेडिमेंट थी उसके जो और पार्टिकल्स हुए ठीक है उसी को बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। बस जैसे पत्थर है नीचे पत्थर गिरते रहते हैं, तुम देखोगे पहाड़ों से पत्थर हमको नीचे गिरते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा देखो द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेशन आर कॉल्ड वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है सेडिमेंट प्रोड्यूस बाय नेचुरल एजेंसी आर ट्रांसपोर्टेड बाय दीज वेरी नेचुरल एजेंसी और रिवर बेड्स लेक बेसिन सीज एंड ओशियन वेयर द डिपोजिशन टेक्स प्लेस फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, यूजुअली द पार्टिकल शो डिपोजिट आर प्रेस्ड अंडर देयर ओन लोड इनटू हार्ड मेटल रॉक्स और सेकेंडरी रॉक्स दे आर फॉर्म टू सेडिमेंट इन क्वाइट एप्रोप्रिएट टू कॉल द सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है बहुत सालों तक मिलियंस ऑफ ईयर मतलब बहुत सालों तक वो रखती रहती है, मतलब एक ही जगह रहती है, धीरे धीरे उनका इरोजन और वेदरिंग की वजह से उनके छोटे छोटे पार्ट में शुरू हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। Just like igneous rock, sedimentary rocks may also be formed into different manners. The subgroups of sedimentary rocks are clastic rocks, chemically rock, or organically formed rock. जैसे igneous के हमने तीन पार्ट दिए थे plutonic, volcano और hydrothermal, ठीक है इसी तरह हम sedimentary में clastic rock, chemically formed rocks और organically formed rocks. Clastic rock में देखेंगे these are sedimentary rocks formed by the deposition and consolidation of disintegrated sediments and fragments from the previous rock and suitable river basin, lake and the sea basin etc. They are most widespread and include such type of sandstone halls. This is then conglomerates. Sandstones are made mostly silica grains fused together and slowly compacted under the natural environment. They form very good type of building stone. अब प्लास्टिक रॉक में जब देखा गया तो प्लास्टिक रॉक में ये बोल रहा है कि जो ऊपर वाला सरफेस होता है प्लास्टिक रॉक का उस वाली को हम मतलब सेडिमेंटरी रॉक की जो ऊपर वाली सरफेस है तो ऊपर वाली लेयर को जो हटाने का जो अंदर पत्थर निकलता है उससे क्या करते हैं हम सैंडस्टोन की तरह यूज कर सकते हैं, हॉल्स की जगह उसमें ब्रेसिस की तरह यूज कर सकते हैं जो निकलता है जिप्सम से फॉल सीलिंग वगैरह होती है वो ये रॉक्स हैं। सेडिमेंटरी रॉक ऑर्गेनिक फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक एज वी नो दैट मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ सी एंड ओशन, ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन दीज वाटर बॉडीज, मेनी सी एनिमल्स हैव देयर हार्ड पार्ट्स मेड ऑफ बोन्स व्हिच आर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट,
These parts accumulate in proper places in the sea floor. There is a huge thickness of such deposits get formed and compacting controlled with the passage of time. ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक का मतलब ये नहीं है कि जो पत्थर वगैरह से केमिकल जो होता है अपना कैल्शियम जो होता है सबसे ज़्यादा हड्डी में पाया जाता है, ठीक है, या उसके बाद बूट में पाया जाता है नेचुरली सोर्स अगर देखा जाए तो, नहीं तो उसके बाद हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। तो अपने 70% अर्थ के ऊपर पानी है, सब जानते हैं, तो 70% के 75% से ज़्यादा ही पानी है, 23% कुछ तुम्हारा वाटर, 23% कुछ लैंड है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ सी में जैसे कि सी और ओशियन में जैसे हमारी फिशेज वगैरह रहती हैं, बड़ी शार्क हो गई, ब्लू व्हेल वगैरह हो गई, तो उनमें क्या काफ़ी कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है उनके कुछ पार्ट्स में, तो जैसे वो मर जाती हैं तो क्या होता है धीरे धीरे डिपोजिट होती जाती है एक जगह एक जगह बॉडी का कोई पार्ट ऊपर जा रहा होता है जहाँ तो रॉक्स का फॉर्म करती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। तथा अपना थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटा मीन्स चेंज मॉर्फ ऑफ फॉर्म, दे आर ऑरिजिनली आइदर इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक, द प्रोसेस ऑफ देयर चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस इन इंक्रीज टेम्परेचर प्रेशर एंड केमिकल एनवायरमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिक रॉक होता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारा मार्बल है, इस चीज़ को याद रखोगे इग्नियस रॉक का देना है, सेडिमेंट्री में लाइम स्टोन सैंड स्टोन वगैरह आ जाएंगे। हर एग्जाम में ये चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल का जब भी सब्जेक्ट आएगा तो हमेशा ये चीज़ें पूछी है। वोल्केनो रॉक होती है ना उसी जगह मेटामॉर्फिज्म होता है कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, केमिकली एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेज आते हैं तो उस प्रोसेस को होता है मेटामॉर्फिज्म। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट जो रॉक का होता है वो ऊपर न जाके जो बीच में रह जाता है उसी को मार्बल बन जाता है। इस तरह से टू वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक आर मार्बल एंड स्लेट, द मार्बल इज फॉर्म इन द नेचुरल एनवायरनमेंट बी वेरी ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स लाइमस्टोन एंड इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, द हीटिंग मे बी कॉज्ड बाय राइज ऑफ मैग्मा फ्रॉम ग्लो इन ए लाइमस्टोन एरिया, सिमिलरली अनदर सेडिमेंटरी रॉक्स शैल बी रिफॉर्म बाय एक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव सॉल्यूशन दैट इट गेट्स चेंज टू ए मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट। हम कहता है कि ज़्यादा प्रेशर इंटेंसिटी की वजह से चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो चेंजेस आने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट वगैरह में मार्बल में चेंजेस हो जाती है स्लेट में। द नेचर ऑफ चेंज ऑफ एन ओरिजिनल रॉक्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर द टाइप ऑफ एजेंट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्रेशर केमिकल तो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल जो होंगे अपने मार्बल क्वार्ट्जाइट इग्नियस स्लेट स्किस्ट, द फर्स्ट थ्री रॉक आर वेरी गुड बिल्डिंग स्टोन मेनी केस, मार्बल क्वार्ट्जाइट और इग्नियस, ठीक है, ये अपने कुछ चीज़ों पे अच्छा बिल्डिंग स्टोन बना रहा है, अच्छा बिल्डिंग स्टोन मतलब तो जैसे मार्बल का थोड़ा अपीयरेंस वगैरह के लिए डिजाइनिंग पर्पस के लिए केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेट केमिकल कंपोजिशन। फॉलोइंग थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ रॉक्स आर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, तीन तरह के हम लोग पहले पढ़ लिया अपना इग्नियस रॉक के बारे में, ठीक है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक का भी, ठीक है, फिर फिजिकल में हमने चीजें दी थी, अब केमिकल में देखते हैं, केमिकल में अपना इग्नियस रॉक का है, इग्नियस रॉक का मेन सही है कि सिलिका इसमें पास पार ज़्यादा हुआ, सिलिका जो है मिट्टी होती है, ठीक है, टी फ्रॉक है सिलिका ऐसा ही होती है उसका प्री डोमिनेट कंपोनेंट, जबकि मोर देन 50% अपना बल्क कंपोजिशन होता है, दिस इंक्लूड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्जाइट जो ये आप लास्ट में द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग स्टोन, इसका मतलब रॉक्स लाइक ग्रेनाइट सैंडस्टोन एंड जीविस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सिलिका एंड कंबाइंड सैंड। और इसमें दे रखा है जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें सब ये कोई भी रंग हो मिट्टी से मिलने का नहीं होती,
अब क्या होता है कि 50% मिट्टी का पार्ट, 50% अदर पार्ट्स के अंदर से अगर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही होती है, 50% कम से कम पार होता है, पार्ट होता है, ठीक है। उसमें जितने भी अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का बिल्डिंग स्टोन है, चाहे ग्रेनाइट हो, सैंडस्टोन हो, चेंजेस हो, ठीक है, या मार्बल भी हो, ठीक है, वो सारे के सारे उन सब में 50% स्पीड का होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, केमिकल के पार्टिकल है, सारे जो चीज़ें पास होंगे, तो स्पीड होंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें कब स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड सेल का जो आता है एलडीएच, दिस वर द डोमिनेंट कंपोनेंट इज द कार्बोनेट जनरली ऑफ कैल्शियम बट ऑफन विद मैग्नीशियम बूस्ट कमांडिंग दे आर बिलोंग टू सप्लीमेंट लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मार्बलेट कैल्शियम कंपोनेंट कार्बोनेट और कौन सा का जो लाइमस्टोन कैल्केरियस रॉक वर्ड से मैं बता रहा हूं सिलिसिक रॉक हम लोग सुनी का जाना कैल्केरियस रॉक मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है लाइमस्टोन होता है चिल्ला डोलोमाइट मार्बल्स, इन तरह की रॉक्स होते हैं जिनमें कार्बन और मैग्नीशियम का मार बहुत ज्यादा होता है। थर्ड आता है आरजीपीएस, दे आर मोस्टली सेडिमेंटरी रॉक्स हैविंग क्ले और एल्युमिनियम स्पीकर्स के हेलो सी मैग्नीशियम मतलब कार्बन सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सारी चीजें मिलकर बनता जो स्ट्रॉन्ग जो होता है आरजीपीएस रॉक, दे आर इन वेरी सॉफ्ट एंड अनक्रस्ट होते हैं, बिल्डिंग सॉफ्ट होते हैं और बिल्डिंग वगैरह में यूज नहीं होते। The cells, slates, and sessions are achievements. The structure का एक्सप्लेन हो रहा है फिजिकली, ठीक है। अब फिजिकली स्ट्रक्चर मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह की जीव बन रही है, या फिजिकल जो कॉम्पोनेंट है खत्म हो रही है, ठीक है। अब यदि नॉर्मली कोई पैटर्न देखते हैं या कोई बिल्डिंग देखते हैं, ठीक है, हमें पता पड़ जाता है कि यार इसमें आर सी सी लगी हुई है, कॉलम कैसे हैं, क्या चीज़ है, उसको कैसे बनाया, कैसे से बनाया, मिट्टी से बनाया, बांस को डाला लगा हुआ है, ऐसी भी चीज़ है। उसमें क्या हो जाता है कि उसका हमें पता पड़ जाता है स्ट्रक्चर किस तरह का है, फिजिकली किस तरह की है, ठीक है। द मैसिव और अनस्ट्रेटिफाइड ऑन हिल ब्लॉक्स अगर हमें हिल मासिव without showing any layer structure in them. The illness and many metamorphic rocks and some sedimentary rocks may be seen as big masses, yeah, big masses. ठीक है, अब जहाँ पर सेडिमेंट्री है तो मेटामॉर्फिक रॉक इसमें आया था कि मैसिव जो बड़ा होता है कोई लेयर नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। जबकि ग्रेनाइट या मेटामॉर्फिक या मार्बल के फॉर्म में तो उसमें लेयर बहुत कम रहती है, जो कॉम्पैक्ट हो जाती है, बड़े और मैसिव फॉर्म में ही फॉर्म पापा रेस्टेड है भाई जान ये तो अनस्ट्रक्चर्ड मतलब ये इसमें लेयर नहीं आ रही इशू है इसमें लेयर लेयर होती है ठीक है। द मोस्ट कैनमेटिक और पता द डिसइंटैक्ट लेयर्स ऑफ सेम एंड डिफरेंट कलर एंड कंपोजिशन where different layer also one has and that's separated by the name for weakness for bedding layer. उस पत्थर वगैरह रॉक इस तरह देखे होंगे तो उसको जानता है कि बनाते हैं दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, तो ये तो अनस्ट्रेटिफाइड होती है, लेयर बाई लेयर होती है। पॉलिएटेड रॉक्स हैं वेयर यू ऑफर ए थर्ड ग्रुप ऑफ रॉक्स जिसमें डिमांड्स फॉर वेरी लार्ज इन विच देयर प्रोफ्यूज डेवलपमेंट ऑफ वेल डिफाइंड बैंड ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन इट इज सीन एज रेजिस्टेंट चेंज इन टाइम फॉलिएटेड रॉक्स डू नॉट यील्ड विदिन द स्ट्रेन ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉलिएटेड रॉक्स इस तरह से होती है कि रॉक्स में काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स भी होते हैं और लेयर भी बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, जल्दी टूट जाती है, उनके तरह अच्छा बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है।
तो सारे एक्सपर्ट भी स्टोन के ये टाइप होते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख देना या लास्ट के 15 मिनट में मैं कॉन्वर्ट कर रहा हूँ, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, साइज कुछ नहीं होता सिजिल वॉल के ब्रॉक्स का। ठीक है, तुम जब भी जाके देखोगे ना राजस्थान वगैरह में, जैसे मार्बल वगैरह काफी निकलता है, तो बहुत बड़े बड़े पीस काटे जाते हैं मार्बल के। ठीक है, और डायमंड का एक बेल्ट लगाई जाती है, इसको डायमंड और सिंथेटिक डायमंड उससे काटे जाते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, उसे छोटे छोटे पार्टों में काटा जाता है, फिर अपने जैसे हमें जो यूज होता है उस हिसाब से हम काट के रेडी कर लेते हैं। ठीक है, साइज कुछ नहीं होता, साइज तो बहुत बड़ा ही होता है, काट काट के निकलते हैं। फिर ये तो आ गया स्टोन की बात। अब स्टोन को हम यूज करते हैं, ठीक है, तो अब ये तो होता नहीं है कि बड़े पत्थर को इकट्ठे ला के रख दिए, उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं अलग चीज, बोलते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन। इट इज नोन दैट स्टोन अकर्स इन नेचर नेचर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रॉक मासेस फॉर्मिंग हिल्स और वॉल्स और वैलीज। दीज हैव टू बी ब्रोकन एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द दोज नेचुरल आउटक्रॉप फॉर यूजिंग इट इन कंस्ट्रक्शन। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सूटेबल स्टोन फ्रॉम द नेचुरल प्लेस ऑफ अकरेंस फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्यूरिंग। ठीक है, क्योरिंग प्रोसेस प्रोसेस अपनी ये है, जैसे हमारे पत्थर वगैरह में कहीं मिलता है, ठीक है, कोई पहाड़ बन लिया ग्रेनाइट का, तो उसमें कुछ तोड़ा जाता है अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए, जो क्योरिंग क्योरिंग हो गई है, पत्थर को तोड़ा जा रहा है, हमारे अकॉर्डिंग निकाला जा रहा है कि ज़्यादा बड़ा पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में ले लिया हमें, जिसे हम बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। इस तरह से पत्थर को तोड़ा जाता है, काटा जाता है। Quarrying is different than mining, used for extraction of ores of metal. In mining, we go deep below the surface, the top surface is left intact, and the ores are extracted from the under. That is quarrying. However, the process of extraction starts from the surface. ठीक है, अब क्या होता है, जो माइनिंग होती है वो अंदर हम जाते रहते हैं, माइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद से पत्थर निकालना शुरू होता है। फिर बोलेंगे माइनिंग और क्यूरिंग में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे ऊपर सरफेस में जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है पहले उसे तोड़ना शुरू करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। माइनिंग में पहले अंदर जाते हैं, अंदर से सारी चीज़ें निकालते हैं। पत्थर है, हम अपने अकॉर्डिंग पीसेज में काट लिया जाता है, तोड़ लिया। सिलेक्शन ऑफ क्वेरिंग साइड के लिए सिलेक्शन कैसे करते हैं, इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर हैव टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ क्वेरिंग साइड। ठीक है, फर्स्ट आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ साउंड रॉक। साउंड रॉक मतलब मजबूत पत्थर कहाँ सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, उस जगह को चूज करेंगे। ए क्वेरी कैन बी ओपन अप फेयर साउंड रॉक दैट कैन इन फुल क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन एग्जिस्टिंग सफिशिएंट लार्ज एरिया। ठीक है, वहाँ क्वेरी ओपन की जाती है जहाँ पर मजबूत पत्थर होता है, गुड क्वालिटी का बिल्डिंग स्टोन निकलता है। ठीक है, और एरिया भी हमारे पास काफ़ी होता है। It is essential because the quarrying operation requires quite heavy initial investment in men and machinery, and these have to be economical viable. ठीक है, तो ये इससे जरूरी होता है कि हमारे पास जो हैवी मशीनरी कहाँ रखी जाएगी, जहाँ पर लोग कहाँ काम करेंगे, और इकोनॉमिकल, अगर ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा पत्थर निकाल सकते हैं। सेकेंड है अपना डिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम क्योरिंग की साइड कर रहे हैं, अब सिलेक्शन हम लेंगे अपना, हम ये देखेंगे कि हमारे जो साइड चल रही है उससे ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि ये है कि हमें ट्रेकर ट्रैवलिंग टाइम चाहिए ज़्यादा लग रहा है, पत्थर लोड करके ले जाने ज़्यादा मशीनरी की जरूरत पड़ रही है, कम अगर पास में है तो कम डंपर काम से जाएगा, डंपर लेके जाएगा वहाँ अपना उसे छोड़ेगा और वापस आ जाएगा दूसरे लेने। Availability of water and dumping space during operation, large number of equipment, men and machine are often required. Sufficient safe distance from the quarry must be available. Often lots of water is also required for the workers and even during the cutting operation when the machine are to be used. These must be available locally. Dumping space is required for storing the broken stone and also for dumping useless rocks, fragments obtained during quarry. Further, the adequate terrain is outfit for removing any underground or surface water immediately after the rain.
मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द क्वेरी। ठीक है, अब क्या होता है जैसे पत्थर वगैरह जो कटते हैं वहाँ क्या होता है, तो मैं देखा भी होगा कि पत्थर कट रहा हो तो पानी भी चलता रहता है और ब्लेड भी चलता रहता है। पानी वगैरह से क्या करते हैं, ब्लेड वगैरह ज़्यादा हॉट हो रहा तो उसे ठंडा रखता है। ठीक है, और कटिंग प्रोसेस में इसलिए वाटर भी काम में आता है, ठीक है, और मशीन की भी काम आती है। फिर उसके बाद डंपिंग स्पेस क्या है, डंपिंग स्पेस होता है जैसे पत्थर वगैरह टूटे बहुत कभी रेत वगैरह मिट्टी वगैरह इकट्ठी होगी, छोटे छोटे पीसेस अच्छे हो गए तो उसे डंप भी तो करना पड़ेगा, किसी अगर फेंकना पड़ेगा तो डंपिंग साइड में है जरूर। वाटर की रिक्वायरमेंट भी हो डंपिंग साइड भी, जहाँ उसमें सारा डंप किया हुआ मिट्टी फेंक सकते। प्रायोरिटी स्टेप्स, कौन से साइड ऑफ क्यूरिंग इज डिसाइडेड फॉलोइंग प्रायोरिटी स्टेप्स बिटवीन नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग ऑपरेशन। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग कैन बी डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड रेगुलराइज्ड क्यूरिंग इज एडवांस एंड प्रेफर्ड मेथड ऑफ द क्यूरिंग द नेचर ऑफ द रॉक्स एंड द कमर्शियल डिमांड। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी स्टेप्स में देखेंगे सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ क्यूरिंग। लोग हथौड़े छेनी फावड़ा से भी तोड़ सकते हैं पत्थर, पर हम क्या करते हैं मैकेनिकली भी बड़े बड़े इक्विपमेंट यूज करते हैं जल्दी से जल्दी और सही साइज में हमारे पे जो स्टोन के पीसेस हैं वो हमें मिलते रहे। प्रिपरेशन ऑफ अ लेआउट स्कीम ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेस और लेआउट द क्वेरी हैज टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द सिलेक्टिंग मेथड ऑफ क्वेरिंग दिस should not include the face to attack the progression of attack by various children in this block or rock and the move. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह का वो लेआउट रेडी करते हैं कि हर में पत्थर वगैरह टूट रहे हैं। ठीक है, क्वेरिंग प्रोसेस चल रही है तो हमारे चेहरे को अटैक ना करे। ठीक है, या हमारे किसी भी चीज़ों को, ठीक है, जैसे ऑफिस वगैरह टेबल वगैरह चेहरे उन चीज़ों को ना तोड़े। लेआउट चलता रहता है स्टार्ट ऑफ वायरिंग थ्रू ऑपरेशन। क्या होता है पत्थर वगैरह हमारे पर रखते हैं, सूर्य मिट्टी जमी होती है, मिट्टी में पेड़ पौधे निकल जाते हैं तो हमें पहले कुछ साफ करना पड़ेगा। ठीक है, मेथड ऑफ क्लास मतलब क्यूरिंग वगैरह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और सीमेंट अपने स्टार्ट करेंगे या नहीं स्टोन ही रखेंगे। स्टोन पर टेस्ट वगैरह जो होते हैं इसकी इस तरह के इस पर छोटे छोटे MCQ वगैरह होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। रजित कुछ पूछना है?
रंजीत 11:30 तक का क्लास का टाइम है, ठीक है। ओके, और सबसे बोल दो क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो क्लासेस के बिना तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। और जिसके नेट वगैरह नहीं आते, अगर कोई सिम बदलना चाहता है तो सिम बदल लो अपना, ठीक है, या उस जगह पे बैठो जहाँ पर तुम्हारी क्लासेस, मतलब जहाँ नेटवर्क अच्छा आता हो वहाँ अपने क्लास ली, फिर अपने घर चले गए। दिन में 2 ही क्लासेस होती हैं तुम्हारी। ओके, देखो रिमूवल ओवरबर्डन जिसका क्वेश्चन तुम कर रहे थे अभी फिजिल, उसमें यही है कि ऊपर की जो सरफेस होती है उसे हटा दिया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे, जैसे मान लो पत्थर वगैरह पड़ा है, कोई भी मटेरियल पड़ा था, देखा मिट्टी ऊपर आ जाती, धीरे धीरे धूल इकट्ठी होती जाती है, और ज़्यादा ही अगर टाइम हो जाता है उससे हल्की हल्की घास वगैरह आती है, तो हम उसे हटाते हैं फिर यूज में लेते हैं, ठीक है। हर जगह यही होता है। तुम्हारी ईंट देखी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखो, तुम्हें घर बनते हुए देखे ही होंगे सबने, मिट्टी ब्रिक वगैरह जो होती है पहले उसे धो लिया जाता है साफ, पहले पहले पानी मार लिया जाता है ब्रिक के ऊपर, फिर उसे यूज में लेते हैं, ठीक है। उसके दो तीन चीजें, एक तो मिट्टी थोड़ा मॉइस्चर लेने के बाद वो अच्छी तरह सीमेंट के साथ बॉन्डिंग भी कर लेती है और साफ हो जाती है, ठीक है। अगर मिट्टी पड़ी हुई है उसके ऊपर तुम सीमेंट में करोगे तो सिलिका का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और वो कभी भी बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी, तो इसलिए हर चीज को साफ करते हैं पहले फिर यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ओवरबर्डन जो आ गया उसके ऊपर। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट देखते चलो, मेथड्स ऑफ क्योरिंग, ठीक है। क्योरिंग विदाउट ब्लास्टिंग, इन दिस मेथड स्किल्ड पर्सन रिमूव द रॉक्स फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ अक्रेंस, दे मे बी यूज हैंड टूल्स और इवन लाइट चैनलिंग मशीन कॉल्ड चैनलाइजर, नॉट एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज फॉर ब्रेकिंग द स्टोन। पत्थर वगैरह हमें निकले, ठीक है, और जैसे कि अपने क्रैश वो आता है, जैसे बोलते हैं हम एग्रीगेट जो पत्थर आते हैं अपने छोटे छोटे होते हैं, अब उसमें क्या होता है कि हम तो ब्लास्टिंग करते हैं, या तो हमने उसमें ब्लास्ट करा, एक्सप्लोसिव कुछ लगाया, बम वगैरह, और फोड़ दिया, ठीक है, उससे पत्थर टूटते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम विदाउट ब्लास्टिंग होती है कि बिना पत्थर तोड़े, उसमें क्या होता है हम जो लोग काम करते रहते हैं एक्सपीरियंस हो जाते हैं उन पर्सनों को लेंगे, वो चाहे तो जैसे मैं बता रहा हथौड़ा वगैरह से तोड़े या फिर छोटी छोटी मशीन होती हैं उनसे पत्थरों को तोड़े, ठीक है। तो विदाउट ब्लास्टिंग क्योरिंग इस तरह से होती है, ये देखो पत्थर धीरे धीरे तोड़ते जा रहे हैं तोड़ते जा रहे हैं। फिर मेथड्स ऑफ क्योरिंग में बी आता है क्योरिंग बाय ब्लास्टिंग, इन दिस मेथड इन्वॉल्व यूज ऑफ एक्सप्लोसिव ऑफ ब्रेकिंग स्टोन फ्रॉम वेरी हार्ड रॉक लाइक क्वार्टजाइट सैंडस्टोन बेसाल्ट ट्रैप्स एंड नॉन ऑर्नामेंटल ग्रेनाइट्स। इट हैज बीन ऑब्जर्व द क्योरिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ हार्ड रॉक बिकम्स वेरी लेबरियस एंड कॉस्टली बाय द अदर मेथड, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हार्ड रॉक्स वगैरह होती है क्वार्टजाइट सैंडस्टोन बेसाल्ट ट्रैप्स ग्रेनाइट्स, उनमें क्या होता है हम ब्लास्टिंग करते हैं कि एक साथ ब्लास्टिंग का एक्सप्लोसिव कोई बम वगैरह लगाया उसे फोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हटानी पड़ती है हमें वहाँ से, ठीक है, और महंगा भी रहता है कि क्योंकि एक्सप्लोसिव मटेरियल सस्ता तो आता नहीं है। द बेसिक प्रिंसिपल एम्प्लॉयड इन दिस मेथड इज टू एक्सप्लोड ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एन एक्सप्लोसिव एट ए कैलकुलेटेड डेप्थ इन द बॉडी ऑफ द रॉक, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसमें जो यूज में लाया जाता है कि हम एक कंसिडरेबल डेप्थ पे कुछ गहराई पे होल करके एक्सप्लोसिव को लगाया जाता है और फोड़ दिया जाता है। द फोर्स जनरेटेड ड्यू द एक्सप्लोजन इज सफिशियंट टू ओनली क्रिएट क्रैक्स एंड लूजन रॉक्स ब्लॉक ऑफ गुड साइज। देखो इस तरह से ब्लास्टिंग होती है, ठीक है। बिहार वगैरह में तुमने देखा कोयले वगैरह जब निकालते हैं तो बहुत ब्लास्टिंग होती है, नहीं कोयले पे नहीं करते, पत्थर वगैरह जब निकालते हैं तब ब्लास्टिंग होती है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, बाय ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज मीन द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रॉपर साइज शेप एंड फिनिश टू द रेगुलरली ब्रोकन स्टोन आर एज ऑब्टेन फ्रॉम द क्वेरी। अब कहते हैं क्वेरिंग आ गई है, रिक्वायर्ड आ गया ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। तो क्वेरिंग हो गई जो पत्थर को तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ने के बाद क्या साइज तो सही आएगा नहीं, उसका साइज शेप वगैरह सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसी की ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग जैसे बोलते हैं ना
ड्रेसिंग हमारे कपड़े वगैरह किस तरह का ड्रेसिंग सेंस है, वो चीज़ है कि हम सारे पत्थरों को क्या करते हैं, उनकी फिर ड्रेसिंग की जाती है, उन्हें सही शेप और साइज में लाया जाता है। ठीक है, या जैसे किसी भी अगर पॉलिश की जरूरत हो तो पॉलिश वगैरह भी की जाती है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक चीज़ अभी, ये देखो कृष्णनगर में मार्बल मंडी है, ठीक है, मकराना में, ठीक है, मकराना एक जगह है जहाँ से मार्बल निकलता है। ठीक है, तो कृष्णगढ़ में पूरी मार्बल की मंडी है। इस तरह से देखो मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे रहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, इन्हें काटे जाते हैं खेतों में, जैसे खेत होते हैं ना, फसल वगैरह होती रहती है, क्रॉप्स वगैरह, उसमें पूरे में ये मार्बल के छोटे छोटे पीसेस जो मार्केट में मिलते हैं उन्हें बिछा दिया जाता है, साफ करके धो के पॉलिश करके बिकने के लिए पूरे को। तो पूरी मंडी है, बड़े से बड़े पत्थर आते हैं, ग्रेनाइट होते हैं, सारी चीजें सप्लाई होती हैं। इस तरह से पीसीस कर दिए जाते हैं जो हमें जिन्हें घर में हम यूज करते हैं। एक और चीज दिखाता हूँ इसमें मार्बल बनने के, जैसे तुम्हारे कई सारे सॉन्ग्स जो होते हैं ना, जैसे हम पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहते हैं, गुरु रंधावा और इन सब के, उनकी काफी शूटिंग भी होती है, डंपिंग यार्ड जिसकी बात चल रही थी ना। अब क्या होता है, जैसे पत्थर वगैरह काटते हैं तो उसके बाद उसके जो टुकड़े वगैरह निकलते हैं, तो वो डंपिंग यार्ड बना रखा है इन्होंने एक पूरा, ठीक है, तो वो डंपिंग यार्ड में शूटिंग करते हैं पूरी। शूटिंग क्या होता है, वो बात तो अगर फोटो वगैरह वहां जा कभी तुम लोगे तो वो पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, मतलब व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है जैसे बर्फ हो पूरी। ठीक है, ये सारा जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब पत्थर ही रखा हुआ है, देखो ये सब पत्थर ही पड़ा पूरे में। ये देखो ये डंपिंग यार्ड, देख रहा वैसे लग रहा जैसे कि कोई ग्लेशियर वगैरह हो, इस पर काफी सारी शूटिंग्स वगैरह होती है मूवीज की। जितनी भी मार्वल की सिलेरी होती है उसे यहाँ डंप कर दिया जाता है, शूटिंग वगैरह होती है काफी सॉन्ग्स वगैरह की, किस मूवीज वगैरह की। ये तुम्हें एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखो बागी 3 मूवी का भी इधर ही, ये देखो
किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में शूटिंग, टाइगर, श्रद्धा कपूर, अब जो हम देखते हैं ना कि जैसे कि स्विट्जरलैंड की शूटिंग होगी या बर्फीली वादियों की शूटिंग होगी, तो इस तरह की शूटिंग वगैरह भी होती है वहाँ। देखो अब जो सिसिल क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि गुड बिल्डिंग स्टोन की, ठीक है, गुड बिल्डिंग स्टोन का जब हम क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, हम निकाल के चलते हैं इसका 10 न्यूटन मीटर, ठीक है, जो 10 न्यूटन मीटर है कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक पत्थर में, ठीक है, जो हम जिसे बोलते हैं ना ग्रेनाइट का जो अपना एग्रीगेट होता है, ठीक है, उस एग्रीगेट की 10 न्यूटन होनी चाहिए, या केजी में लेके जाएंगे तो 100 केजी, ठीक है, तो 100 केजी तक का लोड, 100 किलो तक का लोड वो झेलना चाहिए एक पत्थर। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो तुम। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में आगे चलते हैं, इस तरह से पत्थर को तोड़ा जाता है, काटा जाता है, उससे सही तरह से ड्रेसिंग कर दी जाती है उसकी। स्टोन आर ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरीज आर वेरी रफ, इररेगुलर ऑन शेप, बिसाइड दे मे बी टू बल्की टू बी यूज इन कंस्ट्रक्शन, हेंस वेरी सब्जेक्टिव ऑफ ड्रेसिंग आर, ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं ड्रेसिंग के क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है अपना द रिड्यूस द साइज ऑफ ब्लॉक्स एंड इजिली पोर्टेबल यूनिट्स, ठीक है, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे साइज में किया जाता है जिसका हम यूज कर सकें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, ठीक है, दिस इज ऑफन डन एट द क्वेरिंग इटसेल्फ बिकॉज ट्रांसपोर्ट ऑफ बिग रॉक्स मे बी कॉस्टली, बड़े पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉस्ट भी ज्यादा आती है। टू गिव ए प्रॉपर शेप ऑफ द स्टोन, टू ऑब्टेन ए अपीलिंग फिनिश स्टोन ऑलवेज कम इन रफ एंड रग्ड फॉर्म्स फॉर यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन वॉल्स एंड एक्सटीरियर्स, दे हैव टू गिवन एथेस्टिक अपीलिंग फिनिश, ठीक है, अब क्या होता है पत्थर वगैरह ग्रेनाइट वगैरह को हम बाहर यूज लगाते हैं गेट वगैरह पे, प्लेट्स वगैरह पे, तो हमें देखना होता है तो बहुत अच्छा लगेगा केवल पत्थर, उसी पत्थर को हम जी चाहते हैं कि सब देखने में बहुत अच्छा लगे, ठीक है, कुछ तरह के तुमने होटल्स वगैरह भी देखे होंगे उन पर केवल पत्थरों का, या बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनमें ग्रेनाइट वगैरह लगा देते हैं बाहर, जैसे आजकल लोग अपने घरों के बाहर टाइल लगवा देते हैं ना, ठीक है, तो टाइल क्या सस्ती पड़ती है इसलिए लोग लगा देते हैं, पर ये था ग्रेनाइट जो था स्ट्रॉन्ग भी होता है और देखने में और अच्छा भी लगता है, ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अब सीधी सी बात वही होती है कि जिसके पास जिस तरह का पैसा है वो उसी तरह से यूज कर पाएगा, तो ग्रेनाइट जो होता हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जब बात करेंगे तो हम जो फिनिशिंग होगी ना वो, और टाइल भी तुम्हारी हर तरह की आती है कि सस्ती वाली आती है फिर थोड़ी और महंगी आती है, बहुत अच्छी आती है, कुछ गारंटी की आती है कि भाई इतने साल चल जाएंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वही होता है कि अच्छे अपीरियंस के लिए हम उसकी ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस तरह की ड्रेसिंग है इस तरह से देखो। फिर आएगा मेथड ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कैन बी डन बोथ मैनुअली एंड मैकेनिकली, मैनुअली स्किल्ड वर्कर्स कैन वर्क वंडर्स एंड सुटेबल टाइप्स ऑफ स्टोन विच सीजल हैमर एंड एब्रेसिव, नॉट ओनली दे कैन गिव एक्सलेंट फिनिश एंड पॉलिश स्टोन बट ऑल्सो मे नॉट कार्विंग एंड कार्विंग दैट कैन बी विदस्टैंड सेंचुरीज, ठीक है, अब क्या होता है जो अच्छे स्किल्ड लेबर होते हैं वो तुम्हारी सीजल हैमर और एब्रेसिव से लगे रहते हैं और अच्छी से अच्छी डिजाइन देते हैं जो सालों साल चलती हैं, ठीक है, सालों साल सेंचुरी शताब्दियों चलती हैं, मतलब ताजमहल वगैरह की जो पहले हुई होगी क्यूरिंग एंड ड्रेसिंग वगैरह वो आज तक चल रही है। मैकेनिकली स्पेशली सॉ फिटेड मशीन कैन बी कट स्लैब्स एंड अदर शेपेस फ्रॉम रफ रॉक्स, दीज आर कॉल्ड रॉक कटर्स, द ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग मशीन आर फिटेड विद द व्हील्स एंड डिस्क विद एब्रेसिव कैपेबल इनफ टू गिव पॉलिश एंड फाइन फिनिश एंड एनी डिजायर डिग्री इवन द हार्डेस्ट ऑफ द स्टोन्स। अब मैकेनिकल में क्या होता है कि अपनी ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग मशीन होती है, डिस्क वगैरह व्हील्स वगैरह लगे रहते हैं, और हार्डेस्ट रॉक मतलब अपनी ग्रेनाइट वगैरह को भी पॉलिश
सकती है, ठीक है, पॉलिश करती है और काट सकती है। ये देखो इस वाले पिक में देखो कि पहले जिस तरह से मतलब अभी ये होता है कि छोटी छोटी कील को अंदर करते रहते हैं करते रहते हैं, फिर सारी कील जब अंदर चली जाती है तो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये मैकेनिकल अपना है, डिस्क वगैरह से तो चिकना किया था, प्लेन किया रहा। द ट्रेडिशनल ड्रेसिंग मेथड अप्लाई ने एनुअल ड्रेसिंग आर डिस्क्राइब बिलो। पिच ड्रेसिंग इन दिस मेथड ओनली द एज ऑफ ब्लॉक आर लेवल्ड स्किलफुली बाय यूज ऑफ हैमर। द सरफेस इज लेफ्ट इन ओरिजिनल कट। हैमर ड्रेसिंग इन दिस मेथड ऑफ हेल्पिंग एज एज वेल एज फेस आर रिड्यूस टू इवन रेगुलर सरफेस। इट हैज पिटेड अपीरियंस ऑन द सरफेस। सीजल ड्रेसिंग में इन दिस मेथड स्ट्रेट ग्रुप्स आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ सीजल एट ऑल फ्लोर इज द सुपरफ्लुअस स्टोन फ्रॉम द सेंटर इज रिमूव। सीजल ड्राफ्ट स्टोन आर स्पेशली यूज इन प्लिंथेस एंड कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, फिर रफ टूलिंग है। द एजेज आर फर्स्ट मेड स्क्वायर बाई यूजिंग सीजल एंड हैमर्स। देन ए सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल विड्थ आर डेवलप ओवर द सरफेस ऑफ स्टोन स्टोन। ठीक है, तो पिच ड्रेसिंग दे रखी है, सीजल ड्रेसिंग दे रखी है, सॉफ्ट प्रूफ टूलिंग दे रखी है। अलग अलग टूल्स के हेल्प से हम चीजें कर पाते हैं। तो ये अपना क्या ड्रेसिंग हमने पहले पढ़ लिया कि स्टोन कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद क्यूरिंग के पत्थरों को निकालते कैसे हैं, फिर ड्रेसिंग उन्हें किस तरह से रेडी किया जाता है मार्केट के लिए। किसी और कोई डाउट है? तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, कल अपना ये करेंगे कि टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे और सीमेंट को स्टार्ट करेंगे। और कल शायद हो सकता है कि फाउंडेशन डे है, अगर किसी को कोई वीडियो वगैरह देनी हो तो प्रेजेंट करना चाहता हो या कोई पोएम स्पीच टाइप में, तो वीडियो वगैरह की मुझे शाम तक भेज देना, जिससे मैं आगे फॉरवर्ड करूँ। 3 मिनट से 10 मिनट तक की कोई वीडियो वगैरह हो सकती है। मीतल रमन सचिन रंजीत, कोई डाउट? और सब एक चीज ध्यान रखना कि अटेंडेंस तुम्हारी बाद में आएगी, नहीं तो फिर ये हुआ था कि लास्ट टाइम जब हुए थे तो 3 या 4 लड़के सिविल के ही जो तुम्हारे जो सीनियर से भी सीनियर हैं जो पास आउट बैच के हैं, उनमें से 4 लड़के को डिवाइड कर दिया गया था, उन्हें एग्जाम नहीं देने दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि उनकी अटेंडेंस थी नहीं, वो पूरे सेमेस्टर आए नहीं थे, बहुत ही कम आए थे, मतलब कभी कभार आए थे। तो यही है कि क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी। ठीक है, जहाँ तुम्हारे नेटवर्क आते हैं उस जगह पर चले जाओ, या अपना सिम वगैरह चेंज कर दो, दूसरी कंपनी का नेटवर्क ले लो जिसके नेटवर्क आते हो अच्छे। ओके, क्या लिख रखा रमनी? कितना MNT? देखो 75% अगर अटेंडेंस की पूछो तो 75% एंट्री होती है। ठीक है, अब ये होता है कि जैसे चलो अभी चल रहा है तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, पर ये है कि हाँ तुम्हें मेंटेन तो रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट 50 तो लेके चलना ही पड़ेगा हमेशा। ठीक तो 2 क्लासेस होती हैं तुम्हारी, तो क्लास तो लिया करो। अगर पूरी नहीं ले पा रहे हो नेटवर्क की वजह से तो 1 घंटे 1 घंटे 10-15 मिनट तो क्लास लो कम से कम। ओके, सबको बोल देना, सिंपल तरीके से चीजें बता दो सबको, क्योंकि फिर ये कि कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं रहती फिर। ठीक है, अगर कोई पूरे सेमेस्टर नहीं आ रहा तो उसका हम भी क्या कर सकते हैं, समझे? ओके, तो कला कौन है चैट? अच्छा, कितने मिनट क्लास अटेंड करना पड़ता है? देखो मीथल, ये वाली कहानी है कि क्लास तो पूरी अटेंड करनी चाहिए, पर ये होती है कहानी, अगर कोई नेटवर्क वगैरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास तो डेली तो लो, अगर कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो बात अलग होती है, वरना ये तो क्लास तो तुम्हें पूरी लेनी चाहिए। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं।
तुम्हारी ये रमन अटेंडेंस जो होती है ना, वो देखी जाती है, पूरे मंथ के एंड में डेटा आ जाता है कि कितनी क्लासेस में कौन प्रेजेंट रहा है, ठीक है। और जैसे मैं तुम्हारी क्लास एंड करूंगा तो मुझे ये भी पता पड़ जाता है कि कौन कितनी देर तक क्लास में रहा, ठीक है। एक मतलब कि उसमें आया था कितने मिनट, या किसने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा, क्या रिप्लाई दिया, सारे रिकॉर्ड रहते हैं। तो क्लास को आज यहीं एंड करते हैं।